दशक के अधिक राजनीति में सक्रिय रहे कांग्रेस के प्रखर नेतृत्व रणजीत देशमुख का अमृत महोत्सव सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने की। इस मौके पर पूरा भट्ट सभागृह प्रशंसकों से भरा हुआ था। पेश है संवाददाता संजय मेरे इनकी सुरेश भट्ट सभागृह से ये ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। 5 दशक से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे कांग्रेस के प्रखर नेतृत्व रणजीत देशमुख का अमृत महोत्सव सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वह पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने की। उन्होंने कहा कि रणजीत देशमुख राज्य की राजनीति के आदर्श नेतृत्व हैं। उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए कार्य मील का पत्थर साबित हुए हैं। पार्टी को बाजू में रखकर उन्होंने स्वतंत्र विदर्भ के लिए आंदोलन किया, हमेशा सत्य की राह पर खड़े रहे। उन्होंने राज्य में आक्रामकता के साथ कार्य किया। उनके दमदार नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस से राज्य में एक समय में 40 सांसद चुन कर आए थे। सभी कार्यकर्ताओं के समीप रहने वाले देशमुख केंद्रीय नेतृत्व के भी काफी करीब रहे। इस दौरान राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात, महिला व बाल विकास कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कृपाल तुमाने, आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे, आशीष दुआ, विलास राव मुत्तेमवार, वसंत रावपुर के राजेंद्र मुलक सहित कांग्रेस के अनेक नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि रणजीत देशमुख सभी दलों के प्रिय नेता हैं। कांग्रेस मेरे दिल के करीब की पार्टी रही है। इंदिरा गांधी होती तो भी मैं कांग्रेस में ही होता। हमेशा देशहित की राजनीति की। आज परिस्थिति बदल गई है। कांग्रेस काल में महंगाई कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। संकट के इस काल में सभी विरोधी पक्ष नेताओं को एकत्र आने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने रणजीत देशमुख का भी आभार माना। आणि धर्मनिरपेक्षा जे आता प्रास्ताविक ज्यांनी केलं ते बोलले ते धर्मनिरपेक्ष त्यांच्या मुलांनी पण त्या ठिकाणी दाखवलं ते आमदार बीजेपीतून झाले पण त्यांना ते काही सहन होत नव्हतं इतका जातीवाद अजिबात त्यांना कधी सहन झालं नाही आणि त्यांनी सोनियाजींच्या उपस्थितीमध्ये वर्धेला त्या ठिकाणी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला। खरं एखादी आमदारची सोडणं काही सोपी गोष्ट नसते पण काका मला आठवतं त्या दिवशी तुम्ही पण होतात त्या ठिकाणी आणि तुम्ही आशिष दादांना नक्कीच मार्गदर्शन केलं असेल आणि म्हणून त्यांनी त्या विरोधी प्रवाहामध्ये ते सामील झाले। दर्शन नमस्कार। इस समय में बीसीएन की टीम सुरेश भट्ट सभागृह में जहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत जी देशमुख आज इनका अमृत महोत्सव यहां पे मनाया जा रहा है और आज यहां पे हमारे साथ में महाराष्ट्र राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री वसंत पुरके जी हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहेंगे। पुरके साहब, ये बताएं कि जिस प्रकार से अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है रणजीत बाबू देशमुख, इनका क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में क्या खोगे आप? लोकशाही का जो मंदिर होता है वो ही हमारे नेतृत्व के कंधे पे खड़ा होता है। इसलिए डेमोक्रेसी में और लोकशाही में या लोकनीति में राजनीति में नेतृत्व ये बहुत अहम चीज़ होती है। हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय रणजीत बाबू देशमुख साहब ने अपने आयुष्य के 75 साल कंप्लीट किए हैं। हमारे प्लेटो बोले कि डिस्टेंस वे आर गॉन इज लेस इम्पॉर्टेंट, डिस्टेंस वे आर गॉन इज लेस इम्पॉर्टेंट दैन इन विच डायरेक्शन वे आर गोइंग टूडे। इंसान ने कितने साल पूरे किए ये अहम बात नहीं होती है, लेकिन व्हाट ही हैज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए हमारे देश के लिए, पर्टिकुलरली हमारे विदर्भ के लिए, पर्टिकुलरली हमारे महाराष्ट्र के लिए जो रंजीत बाबू ने काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जैसा एक सामान्य आदिवासी आदमी जो राजनीति में आता है, शिक्षा मंत्री बनता है, ये डेमोक्रेसी का फलित है। इसलिए हमारे प्रांताध्यक्ष रहकर जो रंजीत बाबू ने काम किया है तो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। नेता के कई प्रकार होते हैं। एक दैवीय नेतृत्व होता है जो मोहम्मद पैगंबर है, वर्धमान महावीर है, यीशु ख्रिस्त है, ये सब सारे दैवीय नेतृत्व होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि कुछ प्रतीकात्मक नेतृत्व होते हैं। हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे गाँव का कोई प्रतीकात्मक नेतृत्व करते हैं, उसमें राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति हुए, उसके बाद में हमारा सत्तानिष्ठ नेतृत्व होता है कि जो केवल सत्ता के लिए जीता है। दूसरा होता है प्रशासकीय नेतृत्व होता है
कि जो प्रशासन में रहकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम दुनिया के लिए करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ ये कि वो कोई वर्चस्व प्राप्त नेतृत्व होता है, उनका अपना ही वर्चस्व होना है, वो भी वतन, दूसरा वतन सिद्ध नेतृत्व होता है। लेकिन इसके बाद में सबसे ऊंचा अगर नेतृत्व कोई है, वो होता है कि लोगों की भावना क्या है, लोगों की व्यथा क्या है, लोगों का दुख क्या है, वो समझकर दुनिया के दुख से जो समरस होता है, वो लोग, उनको हम लोक नेता कहते हैं। दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो पूरी जिंदगी बिताता है, उनको हम लोक नेता कहते हैं। उन लोक नेता में से हमारे रंजीत बाबू ये लोक नेता है, उनको हम लोकोत्तर नेता कहते हैं। कितने साल उन्होंने गुजारे वो बात महत्व की नहीं है। Already he has done something for the welfare of the society. कम से कम हमारी लोकशाही दृष्टि जिन्होंने स्वीकार किया है वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के लिए उन्हें पुनः संगठन करने के कार्य किया है, लोगों को एक जगह लाने के काम किया है। जैसा नागपुर है, चंद्रपुर, हमारे यवतमाल जिला, हर गांव में, हर जिले में कोई फ्रैक्शंस होते हैं, मतभिन्नता होती है, उन सबको एक जगह लाने के लिए रंजीत बाबू ने काम किया है। मेरे जैसे आदिवासी आदमी को उन्होंने इस प्रवाह में लाने की कोशिश की है, इसलिए लोकमान्य लोकोत्तर नेता बहुत महत्वपूर्ण, उनका योगदान दुनिया के लिए, समाज के लिए और हमारे पर्टिकुलर पार्टी के लिए, इसलिए सभी लोगों की ओर से मैं उनको शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और बताता हूँ कि इस प्रकार के नेता हमारे विदर्भ में, हमारे महाराष्ट्र में अच्छे काम करें, ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम उसका पालन कर सकें। हाँ। तो आप थे राज्य के पूर्व शिक्षण मंत्री वसंत पुरके जी, जिन्होंने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए इस लोक नेता यानी रंजीत देशमुख जी, इनके अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि ये पर्सनैलिटी किस कैसी है। ये सबको उस फूलों के गुलदस्ते में जैसे सबको पिरोया जाता है, ठीक उसी तरह से सबको लेके चलने का मादा और जो साहस उनमें है और सबको जो लेके चलता है वही लोक नेता कहलाता है। कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर। इन बीसीएन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट।